अभी बच्चे काफ़ी प्रूफ मांग रहे हैं कि सर हमें ये बताएं कि मुझे हमें कैसे पता चले कि आपकी बात सच है। मैंने जो कहा है कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है या कॉमर्स है, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने लिखा है सामने, उन्होंने तो डिग्री लिखी है, लेकिन अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब उसका प्रूफ मांग रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये स्क्रीनशॉट आपको नज़र आएगी। इस स्क्रीनशॉट में देखें कि मैंने एक अपने दोस्त को ये मैसेज किया था, ये डीजी साहब के पीए रह चुके हैं और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में सर्विसेज कर रहे हैं, ये खुद ऑफिसर हैं। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको वॉइस मैसेज भी सुनाता हूँ, अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज भी आप सुन लें। जैन जी भी बीए थला नॉर्मल ऐं हुन में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट अथसि इहो न त उहो करे सघे थो, एलिजिबल आहे उहो। दोबारा सुने आप। साईं असलण कम छा हाल आहे? जंहिंजी बि बी ए थियल आहे नॉर्मल ऐं हुन में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट अथसि इहो न त उहो करे सघे थो, एलिजिबल आहे उहो। अभी आपने सुना, और इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो एक दूसरा मेरा दोस्त है, मैं उसकी भी आपको वॉइस मैसेज आपको सुना देता हूं, क्योंकि मैंने उससे भी बात की थी, दो लोगों से मैंने कंफर्म किया है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, जैसे आपको प्रॉब्लम ना हो। वो करे सके तो माना डिग्री ना है तो वो सब्जेक्ट अगर हुजे हां तो जे कोई मतलब आए में सब्जेक्ट कॉमर्स जो आए से वो करे सके तो जबरदस्त। माना स्टैटिस्टिक के गुरु का स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट का वो भी अप्लाई तो करे सके। हां बिल्कुल, बीए में जो स्टैटिस्टिक का है ना, बीए में ग्रेजुएशन में आए स्टैटिस्टिक। हां अभी आपने दो वॉइस मैसेज सुने, इसके अलावा मैं आपको क्या प्रूफ दे सकता हूं? तो ये बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर हमें किस तरह पता चले, हम किस तरह आप पे यकीन करें कि आप सच बोल रहे हैं, तो अब ये वीडियो देखने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमसे पूछ रहे हैं कि हमें प्रूफ दें। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वालों ने क्लियरली लिखा भी है कि इकोनॉमिक्स हो, आपका कॉमर्स हो, या आपका स्टेटिस्टिक हो, या और उसके अलावा अगर लॉ है आपका, तो इसमें आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप आराम से अप्लाई करें और रिटन टेस्ट की तैयारी करें। जो हमारा सेशन जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि जो हम तैयारी करवा रहे हैं, उस तैयारी में कि तो वो सर पढ़ाएंगे 80% आपको, क्योंकि वो खुद इंडियन रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं, और मैं आपको 20% इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और कल 9 बजे से पहली क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। जो बच्चे अभी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो बच्चे करवाना चाहते हैं इस नंबर पर आप आज करवा लें, रात तक फाइनल करवा लें रजिस्ट्रेशन, और कल से आप जो है क्लासेस स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि हम लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट हमने किया कि आप लोगों को जैसे कन्फर्म हो जाए कि भाई अभी आप अप्लाई करें आराम से, अगर इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप आराम से अप्लाई करें, उसके बाद आप रिटन टेस्ट की तैयारी करें। उसमें जो आपका प्रॉब्लम होगा, जो हमें बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनको क्लियरली बताएंगे। टीचर्स जो हमारे हैं, हमारे जो रेस्पेक्टेड टीचर हैं सर नजीबुल्ला, जो सिलेक्टेड हुए हैं, वो आपको 80% की तैयारी कराएंगे और मैं आपको 20% की तैयारी कराऊंगा। और आज लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, लिस्ट फाइनल आज हो जाएगी, कल 9 बजे से रात को क्लासेस शुरू हुए। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया, नोट्स भी, टेस्ट भी और रिकॉर्डिंग भी, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इस नंबर पे आप रابطہ करें और आज फाइनल कर दें। तो ये था आज के लिए, आपको प्रूफ चाहिए था तो प्रूफ मैंने आपको दे दिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।